सिर पर दरोगा की टोपी, शरीर पर खाकी वर्दी और कंधों पर चमकते दिल्ली पुलिस के दो स्टार। पहली नजर देखने में कोई भी समझे कि ये दिल्ली पुलिस के किसी होनहार दरोगा की तस्वीर है, मगर आप जान लीजिए कि ये कोई दरोगा नहीं बल्कि शोएब फेरी वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि खाकी वर्दी पहने जिस युवक को तस्वीरों में आप देख रहे हैं वह दरोगा नहीं बल्कि फेरी वाला है। दरअसल बुलंदशहर की खुर्जा नगर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ने वाले एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने जिस फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया, असल में वह युवक दिल्ली में फेरी लगाने का काम करता है। युवक का नाम शोएब है, जो कि बुलंदशहर का ही मूल निवासी है और फिलहाल यह दिल्ली के खजूरी में रहकर फेरी का काम करता है। जानकारी के अनुसार युवक 500 रुपए की वर्दी खरीदकर खुर्जा पहुंचा और वर्दी के दम पर चाय वालों, रेहड़ी पटरी वालों पर रौब झाड़ने लगा। युवक कितने दिन से ये सब कर रहा था, ये सब तो साफ नहीं हो सका, मगर जिस वक्त फेरी वाला नकली दरोगा जब पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धमका रहा था, उसी वक्त खुर्जा नगर की असली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फर्जी दरोगा की शक्ल सूरत हाव भाव देखकर असली पुलिस का होमगार्ड भी समझ रहा था कि युवक दरोगा नहीं हो सकता, इसलिए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने फर्जी दरोगा जी से पूछताछ शुरू कर दी। असली पुलिस के सवालों की बौछार से नकली दरोगा के माथे पर पसीना आ गया और वह पुलिस के एक भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे सका। शोएब, कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो बुलंदशहर गए, चंदियाना 12 बस्ती। अच्छा। और रहते खजूरी में, खुर्जा में मेरी बहन भी आई है, दोनों ससुराल है। खुर्जा में घूम रहे थे तुम? यहाँ दोस्तों की वर्दी, ये मैं दोस्तों के साथ में आता नया, तुम अपनी बहन क्या पहन के आ गए यहाँ पर? यहाँ और बहन में रुक, यहाँ यूँ गया कि वो बकरे लेने, तो बकरे इतवार में पैंट लगती है यहाँ, तो मेरे बहन भी कह लगे कि पैंट में से ले लेना भाई, वहाँ सस्ता मिल जाएगा, 10-11 हज़ार रुपये का बकरा। तो वर्दी पहन कर मैंने, हाँ मैं पहन आया सर ऐसी बस। कौन सी पुलिस की वर्दी थी ये? हैं, किस बात की वर्दी? ये सिविल डिफेंस, और जो ऊपर वो जो लगते हैं वो दिल्ली पुलिस के लग रहे हैं। पहले भी इस्तेमाल करिए, कहीं पहन के गए उसे? नहीं, वही पहन के जाते हैं जी। दोस्त भी तुम्हारे दरोगा है वो? ना, वो तो है सिविल डिफेंस में सर, मैंने तो वैसे, हाँ उसमें पहनी है खाली बस। दोस्त का क्या नाम है तुम्हारे जी? दोस्त का क्या नाम है? उन्हों के परवेज हैं, तोसीफ हैं, आगे रहने वाले खजूरी रहते हैं, 210 स्टाफ से हैं वो। पुलिस आरोपी को थाने लाई और उसके कारनामे की परत दर परत खुलती गई। युवक ने पुलिस को बताया कि असल में वह फेरी वाला है और लोगों पर रौब झाड़ने के लिए उसने दिल्ली से 500 रुपए में वर्दी खरीदी थी। युवक ने पुलिस को ये भी बताया कि वो खुर्जा में अपनी रिश्तेदारी में आया था, वर्दी शरीर पर थी इसलिए वो लोगों को धमकाने के लिए निकल पड़ा। फिलहाल पुलिस ने फेरी वाले नकली दरोगा जी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आज प्रातःकालीन चेकिंग के दौरान थाना खुर्जा नगर में जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी, तो मार्केट में एक व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी धारण किए हुए था, जो संदिग्ध सा लगा, तो पुलिस टीम ने जाकर उससे पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, तो ये मालूम चला कि वह एक सामान्य सा व्यक्ति है जो कि पुलिस विभाग में नहीं है, परंतु उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के यहाँ मार्केट में घूम रहा था और व्यापारियों पर धौंस जमा रहा था। पूछताछ पे उसने अपना नाम शोएब बताया, जो कि भजनपुरा का रहने वाला है, और उसने दिल्ली से ये वर्दी खरीदी थी और यहाँ आकर व्यापारियों पर अपना धौंस जमाना चाह रहा था। पूछताछ करते हुए उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।